अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी सरवर करके मैं आया हूँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आज और इससे दो दिन पहले गुजरे, वो इतने बिजी दिन थे कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। और आज भी इतना ज़्यादा बिजी डेट था, और आज जितने भी मैंने रोज़े रखे हैं आज सबसे ज़्यादा मैं तंग हुआ रोज़े में। ये तो सर में दर्द था, और उसके बाद इतनी शदीद गर्मी थी। तो आज हमारे गांव में इतनी शदीद गर्मी थी, तो शहर में क्या हाल हुआ होगा। तो अभी मैं ये वीडियो से बना रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले दो तीन दिन काफ़ी मसरूफ़ रहा हूँ, तकरीबन दो दिन तो बिल्कुल ही मसरूफ़ रहा हूँ और बिल्कुल ही मैंने मोबाइल बात नहीं लगाया। तो मुझे इससे एक सबक मिला, मुझे इससे एक सबक मिला कि आदमी जितना भी मसरूफ़ रहे मजबूत रहता है। तो मेरा भी मशवरा है कि मसरूफ़ रहें मजबूत रहें, क्योंकि मसरूफ़ रहने से आपको एक तो जहन सुकून मिलता है और टाइम पर इंसान सोता है, टाइम पर खाता पीता है, और मतलब एक ज़िंदगी में सुकून से आ जाता है अगर मतलब मसरूफ़ रहे। और अगर काम वगैरह ना करे तो इंसान एक तो बोरिंग इंसान बहुत मतलब तंग होता है, और उसमें जहनी में और ख्याल, बुरे ख्याल, बुरी सोचें, ये वगैरह। तो मैंने ये दोनों दिनों से ये सीखा है कि इंसान जितना मसरूफ़ रहे उतना रिलैक्स रहता है और मतलब खुश रहता है, अच्छा रहता है इंसान। तो कल से इंशाल्लाह ब्लॉग बनाऊंगा पूरा, तो कल से इंशाल्लाह प्रॉपर ब्लॉग बनाए जाएंगे। तो आज के ब्लॉग को ये में ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक और ब्लॉग में, और एक और नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जून जो रोज़े गुजर रहे हैं तो काफ़ी धूप पकी है, तो अभी जो रोज़े